एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है बॉडी ऑफ डायमेंशंस ये दिया हुआ है, वेट 3924 इन वाटर, फाइंड द वेट इन एयर, व्हाट विल बी इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो देखो सीधा सा है, इसमें एक चीज़ आपको ये समझ में आना चाहिए कि वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिक, ओ सॉरी, बायंसी फोर्स। थोड़ा सा और समझ लीजिए आप, जैसे ये मान लो कोई बॉडी है, ये वाटर में डिप है, ठीक है, यहाँ तक तो ऑब्वियसली इसका वेट कैसा लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बायंसी फोर्स कैसा लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, है ना। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पानी में जैसे बकेट में मग है तो उसको आप बाहर निकालो तो आपको हल्का लगता है वो, क्यों हल्का लगता है, क्योंकि वहाँ पे बायंसी फोर्स काम कर रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली जो वेट आएगा, ठीक है, वो वेट किसके बराबर आएगा, जो वेट मेजर्ड वेट आएगा वो वेट आएगा वेट माइनस बायंसी फोर्स। ठीक है, वेट इन एयर का मतलब सिंपल वेट से है, ठीक है, तो वेट में से यदि बायंसी फोर्स निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, वेट इन वाटर आ जाएगा। आपने देखा फ्री फॉल होता है तो वेट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, या लिफ्ट से आप नीचे आ रहे हैं तो आपको हल्का लगता है, तो वहाँ पे बेसिकली एक फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो बायंसी फोर्स लग रहा है, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मुझे वेट इन वाटर नहीं मालूम है तो डब्ल्यू लिख देता हूँ एज इट इज़, माइनस वेट इन वाटर मालूम है 3924 इक्वल्स बायंसी फोर्स। बायंसी फोर्स क्या होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, तो वेट को हम लिख सकते हैं डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो इसका हम मानेंगे ये पूरी तरह से इसमें डूबा हुआ है इस तरह से, ठीक है, तो डब्ल्यू माइनस 3924, वेट क्या होता है, रो इंटू जी, ये जो वेट होता है स्पेसिफिक वेट है बेसिकली, तो रो इंटू जी इंटू वी वॉल्यूम, तो रो वाटर की डेंसिटी 1000, जी की वैल्यू 9.81, और बॉडी की डायमेंशन दी हुई है, तो जितना बॉडी का डायमेंशन होगा उतना लिक्विड डिस्प्लेस होगा, तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 3 6, तो 6 होगा। तो डब्ल्यू इक्वल्स यहाँ से आ जाएगा, तो सॉल्व कर देते हैं, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 9.81 मल्टीप्लाइड बाई 6, ओके ये आ गया, तो मैं लिख देता हूँ 5 8 8 6 0, और ये इस तरफ से इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 3924 प्लस 3924, तो ये आ गया W, वेट इन एयर आ गया आपका 62784 न्यूटन। ओके, दूसरा आपको इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, स्पेसिफिक वेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक वेट कैसे निकालोगे आप, यहाँ पे W दिया हुआ है, तो W इक्वल्स क्या होता है, mg भी होता है, मास इंटू ग्रेविटेशन। ठीक है, तो W इक्वल्स क्या, यहाँ पे ये 62784 इक्वल्स क्या हो जाएगा, m इंटू 9.81 जी की वैल्यू, तो यहाँ से मास निकल आएगा, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये आपने निकाला, इसको डिवाइड कर देते हैं 9.81 से, ये आ गया आपका 6400, तो m आ गया 6400 किलोग्राम। ठीक है, अब आपको डेंसिटी निकालना है, तो डेंसिटी क्या होता है, रो इक्वल्स मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अभी निकाला हमने 6400, वॉल्यूम की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल चुके हो 6, तो डेंसिटी इक्वल्स आ जाएगा 6400 डिवाइडेड बाई 6, इसका मतलब ये वैल्यू आ गई 1066.67 मीटर क्यूब, सॉरी केजी पर मीटर क्यूब। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी अपॉन 1000, बेसिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वाटर की डेंसिटी 1000, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1066.67 अपॉन 1000, तो यहाँ से स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई आपका 1.067। ठीक है, मैंने इसको लिख दिया, तो आपने दोनों चीज़ निकाली, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाला है और यहाँ आपने वेट भी निकाल लिया।